पर दीवारें रोएंगी, दिन और रात रोएंगे, अफसाने रोएंगे, कहानियां रोएंगी। बड़े अफसरों ने, छोटे अफसरों ने, बहुत छोटे अफसरों ने, कारिंदों ने, वो किसी मजहब के मानने वाले हों, जो गुनाह उन्होंने किया है वो दुनिया में तो नाकाबिले माफी है, अगर हो सके तो अपने मालिक से वो अपने गुनाहों की माफी मांगे। क्यों? क्योंकि जो गुनाह उन्होंने किया है उस गुनाह की सजा देर तो हो सकती है लेकिन सजा न मिले ये मुमकिन इसलिए नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो लोगों का भरोसा नीले आसमान से उड़ जाएगा, उस मालिक की खुदाई से उड़ जाएगा, और क्योंकि यह नामुमकिन है कि उससे अकीदा आपसे भरोसा उठ जाए, लिहाजा इस अकीदे पर ईमान रखिए। हर धर्म के लोगों, हर मजहब के लोगों, जिसने जो जुल्म किया है उससे कई गुना सजा। पूरा हिंदुस्तान देख रहा था, सब खामोश थे, सब तमाशाई थे, मीडिया को मालूम था, प्रिंट मीडिया को मालूम था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मालूम था, उनके पास तमाम फिल्में हैं, तमाम रिकॉर्ड है उनके पास, हमारे पास भी है, लेकिन कभी ख्वाब भी नहीं देखा था कि तातारियों ने और चंगेज और हलाकू ने जो नहीं किया होगा वो उन लोगों ने किया जिनको कुदरत ने बड़ी बड़ी कुर्सियों। मैं तो आज तक ये कहता था कि जब कोई बड़े मनसब पर जाता है तो अल्लाह का चहीता बंदा होता है, लेकिन ये क्या हुआ? इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ बड़े बड़े मनसबों पर बैठे हुए लोगों ने इंडियन इन्फॉर्मेटिव ऐसे मजाले किए जिनके बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं। कैसा मारा है पार्लियामेंट के चुनाव में, कितना जुल्म ढाया है इस चुनाव में, तकरीबन 40,000 वोट बोगस था, तकरीबन 40,000 वोट ईवीएम मशीनों के होते हुए बोगस पड़ा है। बूथ खाली करा दिए गए 5 बजे और खास तौर से देहातों में 5 बजे से 6 बजे तक मेरी इत्तला के मुताबिक, हो सकता है गलत हो लेकिन नहीं, आपके सामने जब रिजल्ट की फहरिस्त आएगी तब आप खुद ये चीख कर कह देंगे कि ये बोगस वोट है।